हेलो फ्रेंड्स, भगवत पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बीएससी क्रेडिट के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पिजन यानी कि जो कबूतर है उस कबूतर के अंतर्गत श्वसन तंत्र का अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि जो पिजन है वो एक एक्टिव वर्ड है, यानी कि उसके अंतर्गत फुर्ती बहुत होती है और इसके अंतर्गत हम श्वसन तंत्र का जैसे ही स्टडी करते हैं तो इसका जो श्वसन तंत्र होता है वो अधिक विकसित एवं विभेदित होता है। श्वसन तंत्र कैसा होता है, अधिक विकसित एवं कैसा होता है, विभेदित होता है। ये अपन पीजे का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंतर्गत देखेंगे। साथ ही जो पीजन होता है वायुमंडल में उड़ता है और उड़ने के साथ साथ उसे क्या है, अधिक ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होने का कारण क्या है, क्योंकि उसे अधिक एनर्जी है वो खर्च करनी पड़ती है। अब इसके अंतर्गत पीजन के अंतर्गत विशेष कैरेक्टर ये पाया जाता है कि इनमें वायु कोष पाए जाते हैं और उन वायु कोषों के अंतर्गत क्या है, ऑक्सीजन बनी रहती है। लेकिन इससे पहले ये भी आप समझिए कि जो पिजन होता है, कबूतर होता है, उसके अंतर्गत जो डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। साथ ही इनका जो लंग्स होता है वो एक वेस्टिबल टाइप में नहीं होता है, संवहनी प्रकार का नहीं होता है, या उनके अंतर्गत अपन कह सकते हैं प्रत्यास्थता है वो नहीं पाई जाती है। तो इनके कारण इनमें क्या है, प्रत्यास्थता नहीं पाया जाना, डायफ्राम का नहीं होना, तो इनकी कमी के कारण इनका जो श्वसन तंत्र होता है वो एक विकसित प्रकार का होता है। प्रत्यास्थता यानी इलास्टिक सिटी के जो फेफड़े होते हैं उनमें उड़ते एवं सिकुड़ते नहीं, वेस्कुलर संकुचन नहीं पाया जाता है। तो इस कारण से कबूतर के अंतर्गत जो श्वसन तंत्र होता है वो काफी विकसित प्रकार का होता है और इसमें श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। तो लंग्स पाए जाने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि कबूतर में फुफ्फुस ये श्वसन पाया जाता है। लेकिन इससे संबंधित यह बात होती है आपको कि जो इसमें निश्वसन होता है, एक होता है नी श्वसन और एक होता है नी श्वसन। ये जो निश्वसन की अपेक्षा निश्वसन यानी कि ये तो अपना होगा इनर, वो क्या नाम से, इनर रेस्पिरेटर और ये क्या होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इनर की अपेक्षा जो एक्सटर्नल होता है वो काफी अधिक इफेक्टिव होता है। अब हम जैसे ही कबूतर के श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र को पढ़ने के लिए हमें इसके सबसे पहले श्वसन पथ रेस्पिरेटरी ट्रैक श्वसन पथ, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें श्वसन अंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन और थर्ड हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वायु कोष, जो कि इनके पक्षी हैं। इन पक्षियों के अंतर्गत विशेष कैरेक्टर है वो पाया जाता है। तो सबसे पहले हम श्वसन पथ की हम जैसे ही बात करते हैं तो वो देखो, श्वसन करने के लिए सभी प्राणियों को जो बाहरी वातावरण होता है उस बाहरी वातावरण से क्या होती है, जो वायु होती है उसको अंदर लेना होता है। तो अंदर जैसे ही वायु लेंगे तो सबसे पहले ये नसा श्वसन पथ की हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल नजल और यानी कि बाह्य नसा छिद्र, एक्सटर्नल नजल और बाह्य नसा छिद्र। बाह्य नसा छिद्र के लिए जाते हैं एनसी यानी कि नेशनल, वो क्या नाम से, नोजल चैम्बर यानी अंतर
नासा कोष के अंतर्गत जाते हैं और अंत है माता कोष से, ये फिर जाते हैं आपके पेरेंट्स फेरिक्स, फेरिक्स से ये जाएगा ग्लोटिक्स, और ग्लोटिक्स से फिर ये आगे को जैसे बढ़ता है ये लैरिंक्स, फेरिक्स, फेरिक्स के बाद जो ये क्या है ग्लोटिक्स या इसका क्रेनिया का ही भाग होता है। गाड़ी द्वार घट द्वार से जाता है लैरिंज कहता है, ये ट्रेकिया का भाग है, ये इसके अंतर्गत लैरिंज में जाएगा ये, लैरिंज से ये फिर चले जाता है आपके पास ट्रेकिया, और ट्रेकिया से फिर ये ब्रोंकस श्वसन नली है जाकर आगे लंग्स होते हैं, तो लंग्स के अंतर्गत खुल जाता है ट्रेकिया, और यहां से ये इस प्रकार से वो जो मुकस होते हैं उनके अंतर्गत है ये ओपन हो जाती है। तो अपन जैसे ही बात करते हैं इसके अतिरिक्त जो ग्लोटिक्स फेरिंग्स और लैरिंग्स इनके अंतर्गत अगर बात की जाए तो जो लैरिंग्स जिसे अपन कंठ बोलते हैं, कंठ होता है वो बात जैसे इनके अंतर्गत क्या होता है एब्सेंट होता है। अब हम सबसे पहले इसके जो श्वसन पद है उसमें हम बात करते हैं कि बाह्य मांसपेशी जैसे पिजन की जो ये कबूतर है उस कबूतर की जैसे क्या होती है चोंच होती है, उस चोंच पर ही यहाँ ये क्या पाए जाते हैं एक गोल आकृति के पोर पाए जाते हैं, इन पोर को बाह्य नासक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और ये जो आवरण होता है वो कुत्ते उनसे क्या ढके हुए होते हैं। तो कबूतर की चोंच पर रेखा चित्र के रूप में है पोर पाए जाते हैं जिसे बाह्य नासक क्षेत्र कहते हैं, और ये संवेदी शेरी, संवेदी जो शेरी है इस शेरी के द्वारा क्या रहते हैं क्लोज यानी कि कवर्ड रहते हैं ढके हुए रहते हैं। फिर उसके बाद आता है नासीय खेले जिसे नोजल चैम्बर के नाम से जाना था नासीय खेले, और ये जो नासीय खेले होते हैं ये नासीय खेलों के जैसे कहते हैं बाह्य नासा क्षेत्र आगे चलकर एक चैम्बर में ओपन होते हैं और उस चैम्बर को बाह्य नासा क्षेत्र नासा चैम्बर के नाम से है नासा पोस्ट के नाम से जाना जाता है। आगे जैसे बात करते हैं ये नासा पोस्ट होते हैं सीधे किसमें घूमते हैं फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी में घूमते हैं, ग्रसनी लंबी नलिकाकार रचना होती है और ग्रसनी में घूमने के बाद में फिर ये सीधे यानी कि ग्रसनी का एक भाग होता है और उस भाग को किसके नाम से जाना जाता है लैरिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य अपन ने वहां बताया था पहले तो ये ग्रसनी के बाद में लैरिंग्स जिसे अपन क्या बोलते हैं कंठ बोलते हैं। अब ये पक्षियों के अंतर्गत या कबूतर के अंतर्गत अब लैरिंग्स की बात करते हैं, कंठ वैसे इसके जो ट्रेकिया होता है ट्रेकिया इसी का ही भाग होता है, ट्रेकिया इस ट्रेकिया का ही भाग होता है, लेकिन ये आंशिक रूप से जो बना हुआ होता है वो हायर, ये हायर उपकाय होता है, इस हायर उपकाय के अंतर्गत तीन अस्थियां पाई जाती है जिसमें से दो दो अस्थियां होती है वो होती है प्रीकोइल और एक होती है इसके अंतर्गत एक्टिनोइड, प्रीकोइल होती है वो दो होती है और एक्टिनोइड एक होती है और ये मिलकर क्या है एक हायर उपकरण बनाते हैं और उस हायर उपकरण को कंठ या लैरिंग्स के नाम से जाना जाता है जो कि ग्रसनी के बाद वाला भाग होता है और ये कंठ होता है ये ट्रेकिया का ही भाग होता है।
उसके बाद में जैसे ही ये जो क्रोकोइड ये क्या है उपास्थी होती है उसका जीन, जिससे मिलकर ये हार्ड उपकरण इसका निर्माण होता है। साथ ही लैरिंक्स जो होते हैं वो श्वास नली में खुलते हैं, यानी कि लैरिंक्स के आगे जैसे श्वास नली बनेगी तो ये यहाँ पर ग्लोटिस पाया जाता है, और ये जो ग्लोटिस होता है इस ग्लोटिस का कार्य होता है भोजन मार्ग और जो श्वसन मार्ग है उसको अलग अलग करना होता है। अब हम यहाँ से ग्लोटिक्स में जैसे ही वायु आगे की ओर बढ़ी तो अब अपने पास आ जाता है श्वास नली। अब ये जो श्वास नली है ये मेडिया है, इस श्वास नली की हम बात करते हैं तो श्वास नली के अंतर्गत ये लंबी एवं लचकदार होती है, और जो कबूतर का नेत्र यानी कि ग्रीवा वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, इसका श्वास नली या ट्रेकिया कहलाता है। साथ ही हम बात करते हैं कि ये ट्रेकिया यानी श्वास नली आगे चलकर क्या है, ये एक खेले टूबे संरचना में कन्वर्ट हो जाती है या फूल जाती है, और इस खेले टूबा संरचना को ये वाली जो स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ इस स्ट्रक्चर को सेरिंग्स के नाम से जाना जाता है, जिसे सेरिंग्स को क्या बोलते हैं ध्वनि यंत्र के नाम से जानो या इसे वोकल कॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी विशेषता होती है वर्टेब्रेट्स के अंतर्गत पक्षियों के अंतर्गत सेरिंग्स होता है वो ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है, और ये शुद्ध सेरिंग्स होता है ये एक श्वास नली है ये इसी का ही भाग होता है। और अपन जैसे सेरिंग्स की बात करते हैं जिसी के कारण क्या है पक्षियों में अलग अलग तरह की आवाज आती है चहचहाते हैं तो इसी के कारण होते हैं, और मैं आपको जो सेरिंग्स है इस सेरिंग्स का डायग्राम यहाँ बता रहा हूँ। ये देखो जो सेरिंग्स है ये देखो सबसे ऊपर है ट्रेकिया का ही भाग होता है, उस ट्रेकिया के बाद में इसमें ये उपास्थियों की क्या पाई जाती है रिंग पाई जाती है, और इन रिंग को ट्रेकियल रिंग के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद में ये जो ट्रेकिया है इस ट्रेकिया का एक छोटा जो भाग होता है इस टिम्पेनम के नाम से जाना जाता है, और इसके इस टिम्पेनम के बाहर यह आंतरिक परत होती है, इस आंतरिक परत को ये तो बाहर वाली टिम्पेनम की और ये टिम्पेनम के आंतरिक वाली है, ये जो लेयर है ये आंतरिक है और ये क्या है भाग, जिसको एक्सटर्नल टिम्पेनम मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है और इसको इनर टिम्पेनम मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अब यहां देखिए इसके ऊपर ये स्पेरिंजियल मसल्स होती है, और ये जो मसल्स होती है इस पर क्या है दबाव बनाती है, और दबाव बनाने के साथ साथ इस ट्रेकिया है इस ट्रेकिया के जो छल्ले होते हैं उनमें क्या होता है कंपन वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, और वाइब्रेशन के द्वारा ध्वनियां उत्पन्न होती है, और इसकी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ट्रेकिया रिंग पाई जाती है, और एक इस पर विशेष संरचना पाई जाती है जिसे पेसुलस के नाम से जाना जाता है, और पेसुलस के ऊपर सेंगुलर मेम्ब्रेन की क्या होती है लेयर होती है, और ये जो पेसुलस होता है ये इसमें अपने जो आकार की कम ज्यादा वृद्धि करके इनसे टकराने के साथ साथ एंजियल और इसमें क्या होता है कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन उत्पन्न होने के साथ साथ इसमें स्वर या उसका ध्वनि का निर्माण होता है, इसके अंतर्गत ये इंटरक्लेविकल एयर सेल पाया जाता है जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। तो इंटरक्लेविकल सेल है ये क्या करता है इसमें आवाज आती है, आवाज आने पर इसमें क्या है कंपन उत्पन्न होता है। तो अपने सबसे पहले श्वसन पथ की बात करें, और श्वसन पथ के अंतर्गत आप अगर बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे दोबारा से मैं समझ सकते हैं श्वसन पथ जिसको सबसे पहले अपन कहते हैं एक्सटर्नल नेजल और एक्सटर्नल नेजल को से भी जाते हैं नेजल सैक और नेजल चैम्बर। अब जैसे ये नेजल चैम्बर में पहुंच जाएंगे तो नेजल चैम्बर के बाद में ये जाते हैं आपके लैरिंग्स में,
ये लैरिंक्स में जैसे ही पहुंच जाते हैं तो लैरिंक्स के बाद में ये ग्रसनी में जाएंगे, सबसे पहले ग्रसनी, लैरिंक्स के बाद में ग्रसनी, फेरिंग्स। लेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया। अब ये लेरिंग्स के बाद में ग्लोटिस, और ग्लोटिस के बाद में चले जाते हैं ट्रेकिया। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, इनका श्वसन पथ होता है, और इस श्वसन पथ के बाद में अब हम बढ़ते हैं इसके आगे की ओर, श्वसन अंगों की ओर। तो श्वसन अंग की हम जैसे ही बात करेंगे, यानी कि ये पथ बता दिया मैंने आपको, अब हम श्वसन अंगों की बात करते हैं। श्वसन अंगों के अंतर्गत हम जैसे चर्चा करते हैं, तो इसके जो श्वसन अंग के अंतर्गत श्वसन अंग से पहले है जो अपन सेरेक्स की बात कर रहे थे ना, उनके अपन सेरेक्स की बात कर रहे थे, और सेरेक्स मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या नाम से किसका कार्य करता है, ये ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है। आगे इसके अंतर्गत आते हैं श्वसनिया, जो श्वसनिया क्या है, ये आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है, ट्रेकिया की जो ब्रांच होती है उनको ही ब्रोंकस या श्वसनियों के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं इसके अंतर्गत लंग्स होते हैं, ये जो लंग्स है ये संख्या में दो होते हैं, और ये छोटे एवं एलएचडी यानी के अंतर्गत जो इलास्टिक होता है, उस इलास्टिक का जो गुण है वो नहीं पाया जाता है। साथ ही ये जो वक्ष गुहा होती है इसकी थोरेसिक, उसके अंतर्गत ये लटके हुए रहते हैं, और लटके हुए रहने के साथ साथ ये जो इसकी बोन्स वगैरह जो होती है या इसका जो स्क्रेचर होता है उसके अंतर्गत ये ऐसे वैसे ही सुरक्षित रहते हैं। और इनमें क्या है कि वेस्कुलर यानी कि फैलने को सुकड़ने की जो क्षमता है वो इसके अंतर्गत नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर हम श्वसन अंग की जैसे बात करते हैं, तो श्वसन अंग में कौन कौन से आते हैं, श्वसन अंग के अंतर्गत इसमें आने वाले हैं वो है, एक तो अपने फेफड़े आएंगे और एक अपने क्या आएंगे, वायुकोश आएंगे। तो फेफड़ों की या उसकी मैंने बताई है, और यहां से फिर आती है वायुकोश। अब देखो कबूतर है, उस कबूतर के अंतर्गत वायुकोश पाए जाते हैं, और इन वायुकोशों की वैसे जो संख्या होती है वो 9 होती है, और ये जो वायुकोश होते हैं ये देखो इंटर क्लेविकल एयर से इंटरक्लेविकल एयर से ये अंदर वाला है, ये बाहर वाला है क्लेविकुलर एयर से है, ये एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर से इसी का ही पार्ट है, ये एंटीरियर थोरेसिक पोस्टियर थोरेसिक एयर से, और ये है एब्डोमिनल एयर से। तो इसमें से अगर ये जो भाग है ये है क्लेविकल एयर से ये वाला, तो ये उनका कार्य क्या होता है कि जब पक्षी अधिक ऊंचाई पर चले जाता है, और अधिक ऊंचाई पर चले जाने पर जब उसे ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, इन वायुकोशों के अंतर्गत जो वायु है वो संचित करते हैं, यानी कि जो वायु है उस वायु का प्रवेश मार्ग ये है, यहाँ और यहाँ, और यहाँ से वायु फिर बढ़ जाती है, और बढ़ जाने के बाद में ये इनके अंतर्गत है वो पहुंच जाती है। तो इससे जो वायु है इसमें जाएगी, तो इन जो वायुकोश है इन वायुकोशों के अंतर्गत जो ऑक्सीजन है वो संरक्षित रहती है। सबसे पहले मैं
इंटरक्लेविकुलर के बारे में बात करता हूं। इंटरक्लेविकुलर ये और इस इंटरक्लेविकुलर एयरस्ट्रिप है, इसको अंतराक्लेविकलीय एयर सेक के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो एयर सेक है ये अकेला मध्यस्थ त्रिभुजाकार वायुकोश होता है, ये अकेला होता है, साथ ही मध्यस्थ होता है और त्रिभुजाकार क्या होता है एयर सेक होता है। साथ ही इसकी एक विशेषता होती है कि ये वायुकोश उम्रस तथा क्लेविकुलर कोश की वायु गुहा को जोड़ता है। साथ ही इसके अंतर्गत क्लेविकल एयर सेक है जिसे ग्रीवा कोश बोलते हैं, ये वाला पीले रंग से है ये, इसको ग्रीवा कोश कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीवा कोश। और ये जो ग्रीवा कोश होता है ये काफी बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ ये जो ट्रेकिया है उस ट्रेकिया को क्या करता है आधे भाग तक ये ढके रहता है और इससे ग्रीवा के छोटे छोटे सेकुलस है वो निकलते हैं। ये इनको छोटे छोटे जो भाग होते हैं इनको सेकुलस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है एंटीरियर एयर सेक, एंटीरियर एयर सेक जिसे अग्र वक्षीय गुहा के नाम से जाना जाएगा, वक्ष कोष के नाम से, जो अदर में स्थित होता है और परिहृदय के साथ क्या है ये संबंध बनाता है। ये पोस्टीरियर है, ये अग्र है, ये पश्चवक्षीय वायु कोश है। उसके बाद में ये एब्डोमिनल उदरीय वायु कोश होते हैं, ये भी क्या होते हैं संख्या में दो पाए जाते हैं। तो ये भी वन पेयर, ये भी वन पेयर, ये भी क्या है वन पेयर में, क्लेविकुलर भी क्या है वन पेयर में, तो कितने हो गए ये दो चार छह दो आठ, और ये क्या है वन होता है। तो इस प्रकार से ये है ये संख्या में नौ पाए जाते हैं एयर से। और वैसे देखा जाए तो देखो एक्स्ट्रा क्लेविकुलर भी इसका ही भाग होता है, परंतु ये इसे नौ ही गिने जाते हैं। तो एयर से तो कि जिसे हमारे बात हुई, अब इसके हम जैसे कार्य की बात कर लेते हैं, वायु कोशों के कार्य क्या होते हैं। तो वायु कोशों के जो कार्य होते हैं वो होते हैं तो शरीर को हल्का बनाना, एक उत्प्लावकता प्रदान करने का कार्य करते हैं, साथ ही ये शरीर में जो तापमान होता है उस तापमान को भी एक जैसा बनाए रखने का कार्य करता है। यानी कि वायु कोश है उस वायु कोश की क्या है कार्य, एक तो शरीर को हल्का बनाता है, एक जो तापमान उस तापमान को नियंत्रित करता है, साथ ही ये वायु कोश जो हृदय होता है उस हृदय को गति देने का कार्य करते हैं। अब उसके बाद में आता है इसमें मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन। तो श्वसन की क्रिया के अंतर्गत देखेंगे क्या है, जो पिजन होता है उसमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है, और दो प्रकार से अपन जैसे करते हैं तो कबूतर में श्वसन क्रिया श्वसन पंप के समान होती है, यद्यपि इसकी जो फुफ्फुस है उनमें अपेक्षाकृत बहुत कम फैलाव या नए के बराबर इसमें फैलाव होता है। उस श्वसन की क्रिया के लिए हम दो जो इसके भाग है वो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जब कबूतर बैठा हुआ होता है, बैठा हुआ होता है यानी कि जब वो विश्राम की अवस्था में कबूतर होता है तो उसका जो उलस्थी या उदरीय जो भाग होता है वो अंतराप्रस्थ का जो पेशियां होती है उन पेशियां नीचे होती है और पेशियों के सिकुड़ने से इससे वक्षीय गुहा बढ़ जाती है। यानी कि जब वो कबूतर बैठा होता है तो उसकी जो स्टर्नम होती है उलस्थी होती है वो उलस्थी नीचे की ओर होती है और अंत्र का अंत्र
दूसरा प्रश्न का जो पेशियां है उनमें क्या होता है, संकुचन होता है, और संकुचन होने से जो गुहा भर जाते हैं तो वायु उनके क्या तरह अंदर प्रवेश कर जाती है और वो फिर तेरह से चले जाते हैं। लेकिन जब कबूतर अगर उड़ता रहता है उस तरह जब उड़ेगा तो उसकी जो उरस्ती होती है, ये कबूतर है और इस कबूतर के अंतर्गत ये स्टर्नम है, अब ये स्टर्नम उरस्ती होती है, इसको क्या होता है, जब क्या कर लेता है, सीधा कठोर कर लेता है, कंकाल में कठोर होता है, जिससे उसको अधिक क्या है बेस मिल सके, और बेस जैसे मिलेगा तो वो अधिक देर तक अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो उसमें भी श्वसन के समय तीन प्रकार से होता है, उड़ते समय अंश पेशियों की गति के द्वारा वक्ष और उदर गुहा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उनमें पेशियां कौन सी होती है, अंश पेशियां होती है, अंश मेखला स्वर्ण मेखला, यानी कि ये जो पंखों की जो पेशियां होती है उनको घटाया और बढ़ाकर गुहा है उसको है वक्ष गुहा को आकार मिल जाता है। वायु कोशों पर अंतरांगों पर दबाव पड़ता है, इसके जो वायु कोश होते हैं इन वायु कोशों के आंतरांगों पर दबाव पड़ेगा तो उनको कैसे पड़ेगा, अल्टरनेट क्रम में पड़ता है, जिससे ये संकुचित होते रहते हैं, फैलते रहते हैं, इससे हवा अंदर एवं बाहर आती जाती रहती है। और लास्ट है इसमें जब कसिन द्रव नीचे की ओर गिरता होता है तो कबूतर जितना तेज उड़ता है उतना ही क्या है श्वसन की जो क्रिया है वो होती है। और ये जो श्वसन क्रिया है कि इसके लिए जो मार्ग की हम बात करते हैं उसके और यहाँ से ये सेरेंज और यहाँ से ये इस प्रकार से वायु कोश ये लगे हुए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इसके साथ साथ आप जैसे ही इसको उसमें देखेंगे इसके अंतर्गत बुक के अंतर्गत तो और अच्छा आपके समझ में ये आ जाएगा।